टीवी का मोस्ट पॉपुलर क्विज गेम शो कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 15 फिर टीवी पर धमाल मचा रहा है। इस बार इस शो के फॉर्मेट में कई बदलाव किए गए हैं और कई लाइफलाइन भी जोड़ी गई हैं, जिससे ये शो और ज्यादा एक्साइटिंग हो गया है। वहीं केबीसी 15 के लेटेस्ट एपिसोड के खेल की शुरुआत रोल ओवर कंटेस्टेंट राहुल कुमार नेमा के साथ होती है और वो शो के पहले 1 करोड़ के सवाल तक पहुंचने वाले कंटेस्टेंट भी बन जाते हैं। आपको बता दें कि राहुल को एक जेनेटिक बीमारी है जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इस बीमारी में हड्डियां चटकने लगती हैं और ये 20,000 लोगों में से किसी एक को होती है। राहुल ने शो के दौरान बताया कि उनकी हड्डियां कभी भी फ्रैक्चर हो जाती हैं और उन्हें अब तक 360 बार फ्रैक्चर हो चुके हैं, लेकिन तमाम मुश्किलों के बाद भी राहुल ने हार नहीं मानी और आज वो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के भोपाल के शाहपुरा ब्रांच में असिस्टेंट मैनेजर हैं। राहुल की ये स्टोरी कई लोगों के लिए काफी इंस्पायरिंग है। राहुल नेमा ने शो में आते ही धमाल मचा दिया है और अब वो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आ गए हैं, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 15 के वो पहले ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो 1 करोड़ के क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। अब हर कोई राहुल नेमा के बारे में जानना चाहता है। आपको बता दें कि राहुल की हाइट 3 फीट से भी कम है। उन्होंने बिग बी को बताया कि उन्हें गंभीर बीमारी है। ये बीमारी 20,000 लोगों में से किसी एक को होती है। इसके साथ ही उन्होंने ये बताया कि इस बीमारी में बहुत सारे फ्रैक्चर्स होते हैं और उन्हें जब भी फ्रैक्चर होते हैं तो एक्सरे कराकर प्लास्टर करवाना पड़ता है। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं हिम्मत नहीं हारा हूँ, आगे चलता जा रहा हूँ। मुझे अब तक 360 फ्रैक्चर्स हो चुके हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों से संबंधित एक गंभीर बीमारी है जिसका समय पर उपचार ना किया जाए तो यह आपको जीवन भर के लिए विकलांग कर सकती है। ये बीमारी मैक्सिमम आपकी रीढ़ की हड्डी और कूल्हों की हड्डियों को अफेक्ट करती है। कई मामलों में ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन मेनोपॉज के बाद इसका खतरा सबसे ज्यादा महिलाओं में होता है। वहीं पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम होने पर ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। बात करें लक्षणों की तो लक्षण कुछ इस तरह हैं, जैसे ऊंचाई का कम होना, पोस्चर में बदलाव होना, सांस की तकलीफ होना, हड्डी टूटना, पीठ के निचले हिस्से में दर्द रहना। अगर आपको भी अपने शरीर में कुछ इस तरह के बदलाव दिख रहे हैं तो इन्हें इग्नोर ना करें और अपना चेकअप कराएं और डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।